अपना टॉपिक बंद किया था उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सबसे लास्ट में ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, राइट। हमने ये देखा था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, बट उससे पहले हमने एक कंडीशन देखी थी कि कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, है ना। कि जैसे सपोज करो दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है और एक बी है, मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है जो आगे लिखी गई है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी वाली के जो पीछे लिखी गई है उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो ही ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, राइट। हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। एंड जो मैट्रिक्स लास्ट में आएगी, फाइनल मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर होगा, इनको बीच में स्किप कर देंगे। तो जो पहले वाले के नंबर ऑफ रोज हैं वो फाइनल मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बनेंगे, जो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो फाइनल मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इतना ही पढ़ा था, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एग्जांपल्स किए थे, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे जल्दी से मेरा पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए इंटू ठीक है, हमें कैसी मैट्रिक्स निकालनी है जिसको मैं इंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो इसके इक्वल आ जाए। देखो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, मैट्रिक्स के पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। किसी मैट्रिक्स का पता करने के लिए सबसे पहले हमें उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं दे रखा हमें। तो सबसे पहले अगर मुझे मैट्रिक्स निकालनी भी है तो मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा सबसे पहले, राइट। तो गिवन क्या है मुझे कि इस मैट्रिक्स को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आएगा, राइट। तो ये मैट्रिक्स इसके साथ कब मल्टीप्लाई होगी, हमने क्या पढ़ा था कि जो आगे वाली मैट्रिक्स है वो पीछे वाले के साथ तब मल्टीप्लाई होगी जब आगे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और पीछे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि जो ये मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 है। और मुझे ये भी पता है कि अगर इसके पास 2 कॉलम्स हैं, इसके पास 2 रोज हैं, तो इसका कुछ तो ऑर्डर होगा ना। लेट अस से इस मैट्रिक्स की बात करूँ और मैं इसकी बात करूँ, ये ए है और ये बी है, ये जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी ये ए बी आएगा, और लेट अस से दिस इज सी, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका भी ऑर्डर है 2x2, और मुझे इतना पता लग चुका है कि जो आगे वाली मैट्रिक्स ए है इसमें 2 कॉलम्स तो होंगे ही होंगे क्योंकि मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों सेम हो गए। तो जो बचेगा, जो लास्ट में आएगा, उसका ऑर्डर कैसे निकलता है? आगे वाले के जितने रोज होते हैं फाइनल मैट्रिक्स के उतना ही रोज होते हैं। तो फाइनल मैट्रिक्स कितने रोज हैं? 2। तो जो आगे मैट्रिक्स पड़ी उसके भी कितने रोज होंगे? 2। मतलब ये कन्फर्म हो चुका है ए का जो ऑर्डर होगा वो 2x2 होगा, राइट। चलो ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर ये दे नहीं रखा था हमें। तो मैंने क्या किया, लेट ए बी अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ए बी सी डी 2x2 की, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी डी इंटू में 4, 5, 2, 3 इज इक्वल्स टू 8, 10, 3, 4, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले अगर मुझे मैट्रिक्स ए निकालनी है तो उसका ऑर्डर कितना होगा। अगर मुझे ऑर्डर पता लग गया तो मैं भी इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और वो जो भी मल्टीप्लाई करूँगा उसके बाद मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है, हमने ये पढ़ा था कि हम जो आगे वाली मैट्रिक्स है उसमें रो वाइज मूव करेंगे और सेकेंड वाली में कॉलम वाइज। ये एरोज मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से लगा रहा हूँ, ये हमें फाइनल सोल्यूशन में नहीं लगाने हैं, ठीक है। चल तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो पहला एलिमेंट बनेगा ए इंटू 4a प्लस 2b, नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा 5a प्लस 3b, उसके बाद नेक्स्ट 4c प्लस 2d, नेक्स्ट 5c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 8, 10, 3, 4, ठीक है।
आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन कैसे की है हमने यहाँ पे, तो काफ़ी सिंपल है। उसके बाद देखो उसने मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये निकल के आया कि ये जो मैट्रिक्स इधर पड़ी है लेफ्ट साइड में वो इक्वल होगी राइट साइड वाले के, और हमने ये पढ़ा था टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, इनका सेम ऑर्डर है एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 8, 5a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 3, 4c प्लस 2d इज इक्वल्स टू 10 एंड 5c प्लस 3d इज 4। तो अब क्वेश्चन जो है ना वो ये नहीं था कि ये मैट्रिक्स ए निकालो, अब क्वेश्चन जो बचा है इसके बाद वो ये है कि आपके पास चार इक्वेशंस हैं, चार अननोन हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। और एक बात यहाँ हम ये भी देख सकते हैं, जैसे दो वेरिएबल ए और बी है तो उसके लिए दो अलग से इक्वेशन है, दो वेरिएबल सी और डी हैं उसके लिए अलग से दो इक्वेशंस हैं, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके सी और डी निकाल सकते हैं। तो लेट अस चेक, क्या तुम लोग निकाल पाओगे सही आंसर? वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो एंड लेट मी नो कि क्या आंसर आया है, ठीक है? क्या मैच कर रहा है आंसर? चलो ठीक है, चले आगे। चलो उसके बाद हमारा होमवर्क है एग्जाम्पल 28th एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन 11th, ठीक है? तो इसे कंप्लीट करो, ये पहला राउंड था वीडियो का जो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हाय अगेन, दिस इज़ द सेकेंड राउंड ऑफ अवर वीडियो लेक्चर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को डाउट है तो कॉल मी एनी टाइम, अभी भी कर सकते हो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शो दैट ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो यही करना है कि दो मैट्रिसेस हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई किया है और जो आंसर निकल कर आएगा दैट शुड बी सेकेंड स्क्वेयर थीटा टाइम्स ऑफ आई। और आई क्या है यहाँ पे हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में यही देखा था, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1x1 की या 2x2 की, क्योंकि यहाँ पे सभी का ऑर्डर 2x2 है तो इस आई का भी ऑर्डर कितना होगा 2x2, तो आई का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है? चलिए चलते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स में जब भी कुछ प्रूव करना होता है ना, काफ़ी सिंपल सा तरीका होता है। हम क्या करते हैं, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, फॉर्मूलाज का लगाते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देते हैं, वही हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1 tan थीटा माइनस 10 थीटा, 1 tan थीटा माइनस 10 थीटा, 1, ठीक है? तो इसका ऑर्डर है 2x2, इसका भी ऑर्डर है 2x2, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो जितने इसमें कॉलम्स हैं इतनी इसमें रोज भी हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम ऐसे रो वाइज जाएंगे और यहाँ पे ऐसे कॉलम वाइज। चलो फर्स्ट इंटू फर्स्ट 1, फिर प्लस अपनी तरफ से सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट दैट इज 10 square theta, ठीक है? चलो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज माइनस 10 theta प्लस 10 theta, ठीक है? उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज माइनस 10 theta प्लस 10 theta, फिर सेकेंड रो
सेकंड कॉलम, ठीक है, तो ये आएगा। और हमें ये पता है 1 + tan² θ होता है secant² θ, -tan θ + tan θ 0, -tan θ + tan θ 0, 1 + tan² θ इज secant² θ, बिकॉज secant² θ -tan² θ इज 1। और जब मैं इसमें से secant² θ कॉमन लूँगा, हमें ये पता है जब किसी मैट्रिक्स में से हम कुछ कॉमन लेते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन आता है, तो दिस विल बी 1 0 0 1। और ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो दिस इज secant² θ इंटू में आई, दिस इज आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, नोटेड डाउन। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, वीडियो पॉज करो और इसे नोट करो। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखवा रहा हूँ, ये रिमार्क्स तुम्हारे पेपर में काम आएंगे। जैसे इस बार CBSE ने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो उसमें 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें फिलर्स आ रहे हैं, VSA आ रहे हैं, MCQ आ रहे हैं, तो जितने भी मैं रिमार्क्स तुम्हें लिखवाऊंगा वो उस जगह काम आएंगे पेपर में तुम्हारे, ठीक है। ये एज इट इज़ तुम्हें पेपर में पूछे जाएंगे, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। तो पहला रिमार्क ये है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस such that the product AB is defined, वो ये कह रहा है कि if A and B are two matrices, ठीक है, such that उनको हम multiply कर सकते हैं और product जो है AB वो defined है, कह रहा है then the product BA need not to be डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस के अंदर कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और हमने इनको प्रोडक्ट बनाया उनका ए बी, तो किसी के मन में ये भी आ सकता है कि ए बी ही क्यों बनाया, बी ए क्यों नहीं बनाया। तो ऐसा हो सकता है कि उनको मैंने मल्टीप्लाई किया ए बी बन जाए और बी ए ना बने, या ऐसा भी पॉसिबल है बी ए बन जाए पर ए बी ना बने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 -1 0 3, दिस इज़ वन मैट्रिक्स एंड अनदर वन इज 0 9 4 2 3 6, और आई कैन टेक वन मोर एलिमेंट हेयर 1 5 7 2 9, और यू कैन जस्ट मेक इट लेट अस से 3 क्रॉस 2, है ना। सो दिस प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड, दिस इज 2 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 2, सो दिस कैन बी मेड डिफाइंड, राइट। But now take one more example. Here I'm defining two matrices like 1 -1 2 0 3 3, same matrix, and 0 9 2 3 7 2. To make the product AB, the number of columns in this matrix should be equal to the number of rows in this matrix. So there are 3 columns and here are we have 2 rows. So we can add one more row here. And that will make it, let us say, -1 6 7. Now, the product, if this is A, this is B, then AB is defined. You can check it out, right? AB defined kaise hoga? This is 2 cross 3 and this is 3 cross 3. So these two things are same. So AB is defined. But what about BA? These two things are not same. So if we have two matrices A and B such that the product AB is defined or the product BA is defined, then not necessarily the other has to be defined. So this thing leads us to a very, very important property of matrices.
सो आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. Very, very important property of matrices that if we have two matrices A and B such that the product AB is defined, then we have seen that BA need not to be defined. But in general, if we, let us say, this problem occurred because here the number of columns did not match with the number of rows. So it may happen that both of these two have the same order. Let us say both of them are 2x2 or 3x3. What about them? Then the number of rows of second matrix and the number of columns of first matrix will match. So then there's a problem occur. What if they have the same order, right? Then can we say that AB is going to equal to BA? So in general, this is not true. That means matrix multiplication is not commutative. That is, in general, for two matrices A and B, AB is not equals to BA. Means, अगर मैं दो matrices को multiply करूँ तो कोई जरूरी नहीं है AB और BA equal आएंगे, ठीक है? So third property is, अब किसी के मन में ये doubt आ सकता है कि sir दो matrices के multiplication तो commutative नहीं है, मतलब उनको आगे पीछे से अगर multiply करें तो same नहीं भी आ सकता है. What about three matrices? कि हमारे पास थ्री मैट्रिसेस हैं और हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है. जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो मैट्रिसेस हैं, हमने उनको मल्टीप्लाई किया. कैसे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट. बिकॉज हमारे पास चॉइस नहीं थी, हम इन दो को ही मल्टीप्लाई कर सकते थे. बट व्हाट अबाउट अगर हमारे पास चॉइस भी होती, ऐसे ऐसे तीन मैट्रिसेस हैं हमारे पास, दिस इज 2x2, 2x2, दिस इज अगेन 2x2 और 2x3, एनीथिंग. सो अब पहले किसको मल्टीप्लाई करें, राइट? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, जो बाद में आएगा निकल के उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो लास्ट में निकल के आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो कौन सा ठीक है? और अगर हम दोनों ही करें तो क्या दोनों इक्वल भी आएंगे? सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. तो मैट्रिसेस में क्या होता है, दो मैट्रिसेस में तो ये ट्रू नहीं होता है, बट थ्री मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है ऑलवेज. कि अगर मेरे पास ऐसे तीन मैट्रिसेस हैं तो मैं चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं पहले, जो आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, जो आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा. दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव. दैट इज in general for three matrices A, B and C, AB into C is same as BC into A. ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू होगा. यू कैन ट्राई, यू कैन टेक एनी थ्री मैट्रिसेस जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तुम ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो, क्वाइट इजी, राइट? मल्टीप्लाई ही करना मैट्रिसेस को. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी कैन राइट द जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस. मींस अगर हमसे वो ये कहे कि राइट द जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं. अगर हमसे वो ये कहे कि दो ऐसी नॉन जीरो मैट्रिक्स बताओ. देखो, जीरो मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं. तो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होगा वो मैट्रिक्स जिसका कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा. तो वो यही कह रहा है कि ऐसी दो मैट्रिसेस बताओ जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ वो नॉन जीरो हो, बट उनको मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स आ जाए. तो वी कैन टेक एनी टू मैट्रिसेस, लेट अस से लेट ए इज 0 0 1 0 एंड बी इज, अगेन वी कैन टेक द सेम मैट्रिक्स. उसने ये थोड़ी बोला कि दोनों अलग अलग मैट्रिसेस होनी चाहिए. बट ही इज आस्किंग और शी इज आस्किंग कि हमारे पास दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स ला के दिखाओ. तो यू कैन मल्टीप्लाई दैम एनी वे, ए बी और बी ए
ठीक है. सो दिस इज फॉर आवर थर्ड फेज. सो थैंक यू. ओके सो आई थिंक पिछला काफ़ी क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को. ठीक है, तो जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था उसके बाद हम कुछ रिमार्क्स पढ़े थे हमने, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. तो लेट अस से आई एम डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2, राइट, क्वेश्चन नंबर 13. इट सेज दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 0 0, दिस इज साइन एक्स, दिस इज कोस एक्स, देन रिक्वायर्ड टू प्रूव इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एफ एक्स इसके इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो आएगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा. देखो इसको बहुत ईजी तरीके से कैसे समझें, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, x है, x है, x है, और अगर यहाँ पे y होगा तो फिर यहाँ पे y होगा, यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी y होगा, दैट्स इट. चलो, और हमें कुछ फॉर्मूलेज भी पता हैं अपनी क्लास 11 से, ये आई थिंक तुम सबको याद ही होगा, कॉस में डबलेट्स आएंगे अपोजिट साइन के साथ. ठीक है, सी डी ओ, मतलब जैसे अगर कोस ऑफ एक्स प्लस वाई मुझे लिखना है तो कोस में क्या होगा, डबलेट्स आएंगे ऐसे, कोस कोस आएगा, साइन साइन आएगा, और अपोजिट साइन मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस. ठीक है, और ऐसे ही अगर मुझे फिर कोस एक्स माइनस वाई लिखना है तो वो क्या बनेगा, डबलेट्स एंड देन अपोजिट साइन. ठीक है, पर साइन के फॉर्मूलेज में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ना तो साइन में डबलेट्स आते हैं ना उसमें अपोजिट साइन आते हैं. दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कोस वाई, और यहाँ पे कोस एक्स साइन वाई, और ना अपोजिट साइन आएंगे तो प्लस है तो बीच में प्लस आएगा और माइनस है तो बीच में माइनस आएगा. सो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई. ठीक है, तो हम इनका ही यूज़ करके ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 0 0 साइन एक्स कोस एक्स, और एफ ऑफ वाई क्या बनेगा फिर, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे हर जगह पे क्या पड़ा हुआ है, एक्स पड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे वाई आएगा तो यहाँ पे हर जगह पे क्या आएगा, वाई. तो दिस इज कोस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 0 0 साइन वाई कोस वाई. ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और आई थिंक ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जितने इसमें कॉलम्स हैं उतने ही इसमें रोज हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. पहला एलिमेंट बनेगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी जीरो. नेक्स्ट एलिमेंट विल बी साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई. नेक्स्ट इज माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, एंड दिस इज गोइंग टू बी जीरो अगेन. चलो नेक्स्ट एलिमेंट इज जीरो जीरो एंड दिस इज वन. तो अब इनको उनके साथ कंपेयर करो. ठीक है, देखो सबसे पहले वाले में डबलेट्स आ रहे हैं और अपोजिट साइन के साथ लेके चलेंगे हम इसे, तो दिस विल बी कोस ऑफ एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई. इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस विल बी कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस एक्स कोस वाई. सो दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. नेक्स्ट इज 0 0 1 0 0, दिस इज साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई. ना तो इसमें डबलेट्स हैं
तो कॉस का फॉर्मूला तो नहीं हो सकता. सो दिस कैन बी फॉर साइन, दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. एंड दिस इज, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस विल बी, नो सॉरी, दिस इज अगेन गोइंग टू बी गुड, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. सो दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है. अगर यहाँ पे x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई होगा तो फिर यहाँ पे भी x प्लस वाई आएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई. दिस इज आर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड. ठीक है. तो इस पे अगर कोई डाउट है तो गिव मी अ कॉल. और कुछ होमवर्क है सभी के लिए जो पक्का आपको ट्राई करना है. So that is example 9th, 10th, 13th, 14th, 16th, 17th and 18th. और कुछ important questions हैं 3.2 के, exercise 3.2, ये सिर्फ आपकी practice के लिए हैं. ठीक है. So this is our next part. ठीक है, चले आगे. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसे हम कंटिन्यू करते हैं उसके साथ. तो क्वेश्चन नंबर है 16, एक्सरसाइज 3.2. ठीक है. तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, गिवन ए इज इक्वल्स टू 102 020 213 और रिक्वायर्ड टू प्रूव है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0. ये हमें प्रूव करना है. मतलब हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ पर एक मैट्रिक्स a दे रखी है. सबसे पहले हम a क्यूब निकालेंगे, फिर a स्क्वायर निकालेंगे, 7a निकालेंगे, आइडेंटिटी वी नो, राइट. तो मेरा एक सवाल है सभी से, इस आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है यहाँ पे? देखो ए का मुझे ऑर्डर पता है बट इसका नहीं पता. मेरा सवाल सभी से ये है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पॉज द वीडियो, थिंक फॉर 2 सेकंड्स एंड लेट मी नो. ठीक है. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला आइडेंटिटी का? देखो हमने ये पढ़ा था, 2 मैट्रिसेस कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर. तो इसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर है 3x3, तो ए क्यूब का भी कितना होगा 3x3, ए स्क्वायर का भी 3x3, ए का भी 3x3. और क्योंकि मुझे एट द एंड इन सबको ऐड करना है तो फिर इसका ऑर्डर भी कितना होना चाहिए 3x3. तो ये सारी मैट्रिसेस कौन से वाली हैं? 3x3 वाली. और क्योंकि मैं कुछ मैट्रिसेस को ऐड कर रहा हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? एक मैट्रिक्स. तो जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ये 0 नंबर नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है. तो चलो सबसे पहले एक क्यूब निकालना है तो उसके लिए हमें ए स्क्वायर चाहिएगा. ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए, दैट इज 102 020 213 इंटू 102 020 213. ठीक है. चलो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज 1 × 1 2 2 4 + 1 5, देन इट इज 0 0 0. नेक्स्ट इज 2 0 6 8. नेक्स्ट इज 0 0 2, देन 0 4 0. नेक्स्ट इज 0 2 3 5. नेक्स्ट इज 2 0 6 8. नेक्स्ट इज 0 0 0. नेक्स्ट इज 4 0 9, दैट इज 13. तो ए स्क्वायर आएगा हमारा ये, और ए क्यूब को भी फिर हम ऐसे ही निकाल लेंगे, दैट इज ए स्क्वायर इंटू में ए, दैट इज 5 2 8 0 4 0 8 5 13 इंटू 1 0 2 0 2 0 2 1 3. सो दिस इज 5 16 21, देन 0 0 0, then 10 24 34, then 2 10 12, then 0 8 0, then 4 8
and this is 15, 23. Then it is 8, 0, 26. So this is 34 again, and then 0, 0, 0, then 16, 39, then it is going to be 55. तो ए क्यूब हमारे पास आ गया, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, ए हमारे पास ऑलरेडी है, आई का हमें ऑर्डर पता लग चुका है, सो वी कैन पुट इट दिस इक्वेशन. नाउ कंसीडर ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू टाइम्स ऑफ फाइव, सो दिस इज गोइंग टू बी 21 तो बस अब हमें करना क्या है, इन सबको ऐड करना है. सो द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55, माइनस 30, 12, 48, 0, 24, 0, 48, 30, एंड दिस इज गोइंग टू बी 78, राइट. Then it is 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 7, 21, plus 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. तो इन्हें ऐड करते हैं, चेक करते हैं कि आंसर सही आ रहा है. देखो सबसे पहला एलिमेंट होगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2. 21 plus 7, 28, 30. This is going to be 0. Next element is 0 minus 0 plus 0 plus 0. That is 0. Then 38, 34 minus 48 plus 14 plus 0. Next is 12 minus 12 plus 0 plus 0. Next is 8 minus 24 plus 14 plus 2. Next is 23 minus 30 plus 7. Next is 34 minus 48 plus 14. Next is 0, 0, 0, 0. And the last element is 55 minus 78 plus 21 plus 2. So I think everything adds up to 0. So the answer is going to be 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. That is 0 matrix. Okay. तो आई थिंक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा लेंथी था, सो वी कैन डू इट लाइक दिस, नोट इट डाउन. इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो करवा रहा हूँ यहाँ पर. 17th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2. सो इट सेज इफ ए इज 3, 4, माइनस 2, माइनस 2 एंड आई इज 1001. Find k such that a square equals to k a minus 2 times of i. काफी सिंपल क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, आइडेंटिटी दे रखा है और ये कंडीशन ट्रू होगी. तो कह रहा है फाइंड द मिसिंग थिंग दैट इज k. तो चलो a को हम कैसे निकाल सकते हैं, a square is a into a, that is 3, 4, minus 2, minus 2, 3, 4, माइनस टू माइनस टू, दैट इज गोइंग टू बी 9 माइनस 8, दैट इज 1. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2. नेक्स्ट इज 12 माइनस 8, दैट इज 4. एंड द लास्ट वन इज माइनस 8 प्लस 4, दैट इज माइनस 4. नाउ एवरीथिंग वी हैव, सो कंसीडर ए स्क्वेयर equals to ka minus 2 times of y. So this is 1, 4, minus 2, minus 4, k times of 3, 4, minus 2, minus 2, minus 2 times of y, that is
2 times of identity matrix. So this is 1, 4, minus 2, minus 4. It is 3k, 4k, minus 2k, minus 2k, minus 2, 0, 0, 2. So what you have to do, equate them and let me know the answer. You have 2 seconds, huh? I think काफी simple question है. तो चलिए answer बताइए क्या आएगा इसका. ठीक है, so my answer is 1. Now see, कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक इक्वेशन से तो एक आंसर आ जाता है और दूसरी इक्वेशन से कोई और आंसर आता है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेरीफाई कि ये के की वैल्यू बाकी सभी को सेटिस्फाई करेगी. जैसे सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू के. तो क्या के वन के लिए ये ट्रू होगा? दिस इज ट्रू. इसके लिए ट्रू है? ट्रू. इसके लिए ट्रू है? ट्रू. सो दिस इज आर आंसर. ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन और था इसी के अंदर. आई थिंक क्वाइट ईजी क्वेश्चन मैट्रिसेस में, और ये क्वेश्चंस कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाते हैं और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. देखो 100 out of 100 लाने का सिर्फ एक ही फंडा है, दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस. मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है, क्योंकि हम कोई भी स्टेप स्किप कर नहीं सकते हैं. सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप का आपको कुछ मार्क्स मिलने वाला है. तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख देंगे या इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देंगे या इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देंगे. नहीं, हर स्टेप की एक पर्टिकुलर वेटेज होती है, हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. आई नो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है हर स्टेप को लिखना, बट आई थिंक ये सब करने से ही मार्क्स आते हैं. दिस इज़ ओनली फॉर 1 ईयर, राइट? और अगर एक बार 100 मार्क्स आ गए तो देन वी आर प्रीटी मच श्योर कि लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है मैथ्स में एटलीस्ट. चलो इसके बाद आगे चलते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो थोड़े से एनसीईआरटी से बाहर के हैं, एंड आई थिंक वी शुड डू देम. तो नेक्स्ट हेडिंग इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर इज आई, then find the value of a minus I cube plus a plus I cube minus 7a. ठीक है, तो हमें a एक स्क्वेयर मैट्रिक्स दे रखी है, such that उसका स्क्वेयर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी. ठीक है, तो चलो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे कंसिडर करते हैं. a माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस 7a. ठीक है, चलो इसके बाद देखो इसको अगर हम देख के चले ना, इसको ओपन कैसे करेंगे? कुछ अपने ये रियल नंबर वाली आइडेंटिटीज के जैसा नहीं है. a माइनस बी का होल क्यूब कैसे ओपन करते हैं इसे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी. और इसको और अच्छे से लिखो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab². ठीक है, तो ये क्या बनेगा? जो पहली टर्म है a क्यूब माइनस i क्यूब माइनस 3a² प्लस 3a. ठीक है, ऐसे इसको भी ओपन कर सकते हैं हम. दिस विल बी a क्यूब प्लस i क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a माइनस 7 times of a. देखो हम एक चीज़ दे रखी है, a स्क्वेयर इज i. तो ये जो a क्यूब है, इट कैन बी रिटन एज a स्क्वेयर इनटू a. i क्यूब विल बी अगेन i. तुम i को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 time, 2 time, 3 time, 4 times, 100 times, इट विल बी i अगेन. दिस इज a स्क्वेयर, सो दिस विल बी रिटन एज i बिकॉज a स्क्वेयर इज i. दिस इज 3a, दिस कैन अगेन बी रिटन एज a स्क्वेयर इनटू a. दिस इज अगेन i, दिस इज 3i, दिस इज 3a माइनस 7a. So this a square is i into a minus i minus 3a, that is minus 4i. Then it is 3a
minus 7a. So this is 6 minus 1, 6a minus 7a. So this is gone, this is gone, this is gone. This is a square again, a square is I. This is again 4i because a square is I. ठीक है, चलो I को मैं जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक्स खुद में आती है, मतलब I into A is going to be A again. हमने इसके बारे में पहले बात की थी. इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए ही बोलते हैं कि अगर इसे किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स निकल के आएगा. जैसे वन नंबर वन होता है ना, वन इंटू फाइव इज अगेन फाइव, हंड्रेड इंटू वन इज अगेन हंड्रेड, ऐसे ही. सो दिस इज A माइनस दैट इज फोर आई, दिस इज फोर आई, सो दिस आर गॉन. This is 6a minus 7a, so plus 6a minus 7a plus I into a is a. So this is 6a, 7a minus 7a, so 7a minus 7a plus a. These are gone, so this is a. ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. और एक एग्जैक्टली इसके ही जैसा क्वेश्चन है NCERT में, आपको वो करना है. That is from miscellaneous exercise question number 15. काफ़ी important question है, ठीक है. So note it down. चलो next question. Find the number of all possible matrices of order 2 cross 3 such that each of the entry can be either 1 or 2. I think ऐसा question हम पहले भी कर चुके हैं and you can pretty much tell me the answer, right? So I'll give you 1 minute. If you can find out the answer, just pause the video, calculate it and let me know what is the answer. Done. So the answer is going to be 2 to the power 6. ठीक है, देखो 2 क्रॉस 3 के में मैट्रिसेस बनानी है तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 6. एक एलिमेंट के पास चॉइस है, या तो वो 1 हो सकता है या वो 2 हो सकता है. तो एक के पास 2 चॉइसेस हैं. हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6. तो 6 के पास कितनी चॉइसेस होंगी, 2 टू द पावर 6. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, इसे नोट डाउन करो, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक ये लास्ट वीडियो है आज के लेक्चर की. तो कुछ एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3.2 का, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18th. क्वेश्चन नंबर 18th में वो ये कह रहा है कि लेट a इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 0 एंड i इज इक्वल्स टू 1001. देन शो दैट i प्लस a इज इक्वल्स टू i माइनस a into cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha. ठीक है, तो हमें i दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द होल राइट हैंड साइड. तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मुलेज मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जो हमने 11th में पढ़े हैं, हाफ एंगल फॉर्मुलेज. तो उनको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है. तो एक हमने पढ़ा था cos 2x, राइट. सो वो फॉर्मूला था 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. वैसे तो कोस 2x के चार फॉर्मूलेज होते हैं बट हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सब कुछ वहाँ पे 10 में है. और एक साइन 2x का हमने पढ़ा था 10 की टर्म्स में, दैट इज 2 टेन एक्स ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. देखो अगर 2x है तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x हो गया, मतलब एंगल का हाफ हो गया है. तो इन्हें हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलेज. अगर ये तुम्हें याद नहीं है तो इन्हें लिख लो, ये काफ़ी काम आएंगे आगे भी. ठीक है, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली वो हमें ये कह रहा है कि i प्लस a इज इक्वल्स टू दिस. तो कंसीडर वन साइड, लेट अस से लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज i प्लस a. सो दिस इज
1 0 0 1 plus 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0. तो इनको मैंने ऐड किया, दिस विल बी 1 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 एंड दिस इज 1. ठीक है, सो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है. चलो राइट हैंड साइड की भी बात कर लेते हैं. दिस इज आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आई माइनस ए निकाल लेते हैं, उसको फिर हमें इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो आई माइनस ए विल बी 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 दिस इज 0. ये जो भी आएगा मुझे उसे मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ. ठीक है, सो दिस इज, इसको अगर मैं करूँ तो दिस विल बी 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 दिस इज 1 एंड दिस इज कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा. अब देखो एक चीज़ समझो, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पड़े हैं उन सब का एंगल हाफ में है, दैट इज अल्फा बाय 2. यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स में तो अल्फा बाय 2 है बट एक मैट्रिक्स में एंगल हाफ नहीं है, है ना. तो या तो यहाँ पे अल्फा अल्फा बनाना पड़ेगा या यहाँ पे अल्फा बाय टू बनाना पड़ेगा. बट आई थिंक इसको अल्फा बाय टू बनाना ज़्यादा इजी है, हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूलेज हैं. तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोस टू एक्स पे फॉर्मूला लगाना पड़े सो दैट विल बी 1 minus 10 square x over 1 plus 10 square x. तो ये कब होगा, अगर 2x है तो यहाँ पे x आएगा, 2x है तो x आएगा. अगर ऑलरेडी यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा, x by 2. ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं. सो दिस इज 1 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 दिस इज 1. तो चलो इनके हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं. सबसे पहले कोस वाला, तो दिस विल बी 1 minus 10 square alpha by 2 over 1 plus 10 square alpha by 2. दिस विल बी -210 alpha by 2 over 1 plus 10 square alpha by 2. ठीक है, ऐसे फिर इसके लिए भी दैट इज 210 alpha by 2 over 1 plus 10 square alpha by 2 एंड दिस इज 1 minus 10 square alpha by 2 over 1 plus 10 square alpha by 2. ठीक है, थोड़ा सा देखने में ना कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा है एक मैट्रिक्स ये वाला, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे एट द एंड इनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए 10 अल्फा बाय 2 को ना कुछ मान लेता हूँ, लेट अस से टी. ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है फिर, 1 minus t square over 1 plus t square minus 2t over 1 plus t square. दिस इज 2t over 1 plus t square. दिस इज 1 minus t square over 1 plus t square. अच्छा देखो, इस पूरी मैट्रिक्स में 1 over 1 plus t square कॉमन आ रहा है, इसके पास भी है 1 over 1 plus t square, इसके पास भी. तो मैंने सारे में से कॉमन ले लिया तो वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बी रिटन एज 1 minus t t1. दिस इज 1 minus t square. दिस इज -2t. दिस इज 2t एंड 1 minus t square. अब इसको मल्टीप्लाई करना काफ़ी इजी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और इसे अगर मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करता तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे. तो जो टर्म सबसे ज़्यादा आ रही थी उसे मैंने टी लेट कर लिया और ये काफ़ी इजी हो गया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. तो चलो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 minus t square प्लस इन दोनों को करूँगा तो 2t square. नेक्स्ट फिर -2t plus t minus t cube. नेक्स्ट इज -t plus t cube plus 2t. नेक्स्ट इज 2t square plus 1 minus t square. सो दिस इज 1 over 1 plus t square. इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 plus t square आएगा. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ सो दिस विल बी -t minus t cube.
This is again 2t minus t, that is t plus t cube, or 2t square minus t square is t square plus 1. ठीक है, so this is 1 over 1 plus t square. प्लस टी स्क्वेयर, इस वजह से मैंने माइनस टी कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी वन प्लस टी स्क्वेयर. इसमें से मैंने टी कॉमन ले लिया, दिस इज वन प्लस टी स्क्वेयर, और ये तो ऑलरेडी वन प्लस टी स्क्वेयर है. मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? देखो, मैं हर जगह पे वन प्लस टी स्क्वेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. ये ऊपर बड़ा है और वन ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है, वन माइनस टी टी वन. ठीक है, और t की वैल्यू अगर मैंने फिर से पुट की तो दिस विल बी 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1. तो क्या ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज रियली 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 इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है एज इट इज, नो चेंज इन द स्टेटमेंट. इवन एंगल भी एक्स वाई के टर्म्स में नहीं, अल्फा बाई टू के टर्म्स में ही दिया गया है. सो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली. ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का, उसके बाद दिस लेक्चर विल बी ओवर. सो दिस इज सॉल्व फॉर एक्स इफ 1 minus 2x into 3, 2, 0, minus 1, 4, let us say 1, 6, 5, and this is minus 2 into. So this will be 1 minus 2, this is 5, is equals to 0. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है if this condition holds. देखो, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. नाउ अब किसी के माइंड में ये आएगा कि मैं तीन में से पहले किन दो को मल्टीप्लाई करूँ, राइट? तो व्हाट कैन वी डू, हमने अभी एक थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिमार्क्स में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोशिएटिव. मतलब मैं पहले चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, जो भी आएगा उसको इसके साथ करूँ, या फिर पहले इन दोनों को करूँ, जो भी आएगा उसको इसके साथ करूँ, आंसर विल नॉट चेंज. तो चलो, मैं पहले इसको इसके साथ कर रहा हूँ, जो भी आएगा उसको इसके साथ करेंगे. तो कंसीडर 1 माइनस 2 एक्स, 3 2 0 माइनस 1 4 1 6 5 माइनस 2 1 माइनस 2 5 इज इक्वल्स टू 0. सो सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की, दिस इज 3 क्रॉस 3. सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3. तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 3 माइनस 4, नेक्स्ट विल बी माइनस 1 माइनस 8 प्लस x, नेक्स्ट विल बी 6 माइनस 10 माइनस 2x, दैट इज 1 माइनस 2 5 इज इक्वल्स टू 0. So this is minus 1, this is x minus 9, this is minus 4 minus 2x into 1 minus 2 5 is equals to 0. तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो अगेन ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. सो दिस इज माइनस 1 माइनस 2x प्लस 18, देन माइनस 20 माइनस 10x इक्वल्स टू 0. अच्छा, ये एक मैट्रिक्स आएगी अभी जो दिस विल बी माइनस 21 18 माइनस 3 माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0. दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 और बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो दिस इज अगेन अ 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1. सो दिस इंप्लाइज माइनस 3 माइनस 12x हैज टू बी 0, दैट इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12x, विच इंप्लाइज x इज माइनस 1 बाई 4. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास. एक एक्सरसाइज मेरे पास सबके लिए है, व्हाट यू कैन डू. हमने कैसे किया इसको, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक मैट्रिक्स आई, उसको हमने फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया. योर एक्सरसाइज हैज टू बी लाइक, तुम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो, एंड लेट मी नो क्या आंसर सेम आता है या डिफरेंट आएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू.